डे टू शुरू हुआ है और शुरुआत हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में हमको मिले हैं दो चीजें, एक है थाली पीठ, महाराष्ट्रियन डिश है ये, घावन। ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मालवण में मिलता है। घावन बनता है चावल के आटे से, दिखने में थोड़ा डोसा जैसा है बट चावल के आटे से बनता है। और ये हमको दिया है हरी चटनी के साथ, तो इसको ट्राई करते हैं। ये तांदळाचं पीठ आहे ना, एवढं घट्ट नसतं ना हे, जसं आपलं इडलीचं पीठ घट्ट असतं, पातळ असतं। हा घट्ट नसतं। किती वेळ टाकून ठेवायचं याला? मालूम नाही वगैरे, तो बिलकुल जरूर इसको ट्राय करा। तो ये होटल है जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे एक दिन का, और जो थाली पीठ और घावन हमने खाया वो यहीं पे खाया। बहुत ही अच्छा व्यू है नेचर के एकदम करीब। अभी हम आए हैं परम हंस स्वामी स्वरूपानंद समाधि मंदिर पावस, यहाँ पे मंदिर के दर्शन हो गए हैं। अभी इसके बाद हम जा रहे हैं देसाई बंधु अंबे वाले। ये विजय रत्नागिरी हापूस आमरस, इसका कॉस्ट है 370 रुपीज। ये कोकम सिरप 100 रुपीज का। ये अंबावड़ी, ये मैंगोस को ड्राई करके बनाया जाता है अंबावड़ी, ये 120 रुपीज का है। ये मिर्ची लोणचे 140 रुपीज। कैरी पने, इसको समर सीजन में पिया जाता है कैरी पने। इस जगह का नाम है कुनकेश्वर। यहाँ पे एक शिव मंदिर है, कुनकेश्वर देवगढ़ के पास स्थित है, और इस मंदिर के पास बहुत ही सुंदर समुद्र तट है। कुनकेश्वर को दक्षिण कोंकण की काशी भी कहा जाता है। ये बहुत ही साफ और कम भीड़भाड़ वाला समुद्र तट है। तो अभी हम मालवण आ चुके हैं। यहाँ पे एक गणपति मंदिर बहुत ही फेमस है, सोन्याचा गणपति ऐसा उसको बोलते हैं, जो पूरी मूर्ति है गणपति की सोने से बनी हुई है, और ये मंदिर 2005 में बना था। तो ये पीछे है मंदिर सोन्याचा गणपति। ये जो मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना ज्योतिर्भास्कर साळगावकर इन्होंने 2005 इस साल में की थी। और ये हम आ गए अभी मालवण बीच, ये रहा मालवण और उसके सामने का बीच। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सिंधुदुर्ग किला, कल इस फोर्ट पे हम जाएंगे, यहाँ से बोट पकड़ के जाना होता है, तो कल यहाँ पे हम जाएंगे। अभी हम मालवण बीच पे हैं और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ फिश स्पा, तो स्पा के लिए यहाँ पे बैठता हूँ। और रेट बहुत ही चीप है यहाँ पे,
₹100 में 10 मिनट का स्पा मिलेगा और ₹50 में 5 मिनट का स्पा मिलेगा। वैसे अगर आप मॉल में जाओगे तो बहुत महंगा होता है ये, बट यहाँ पे लोकल होने की वजह से बहुत चीप है, तो मैं एक्सपीरियंस अभी ट्राई करने वाला हूँ। दुदबली हो रही है बहुत बट मजा आ रहा है। अच्छा होता है पैरों के लिए, डेड स्किन निकल जाती है पैरों की। हमारा आज का दिन यहाँ पे एंड होने जा रहा है, बट उसके पहले डिनर करना बाकी है। मैंने दो दिन थाली सिस्टम बहुत ट्राई किया, वेज थाली, चिकन थाली, फिश थाली, बट आज ऐसा डिसाइड किया कि सिर्फ थाली नहीं खाऊंगा बट उसके साथ कुछ फिश के डिशेज भी ट्राई करूंगा। पहला है प्रॉन्स, ये प्रॉन्स मैंने मंगाए हैं, और दूसरा है पॉम्फ्रेट फ्राई, तो ये है पॉम्फ्रेट फिश। और जिस होटल में हम रुके हैं वो है होटल मरीन ओएसिस। पीछे ही बहुत अच्छे अच्छे कोकोनट ट्रीज है और बीच भी है पीछे, तो वो मैं आपको मॉर्निंग में बताऊंगा। अभी सिर्फ डिनर का जो मेन्यू था वो मैंने आपको बताया, ये प्रॉन्स। बहुत ही फ्रेश क्रिस्पी एंड क्रंची प्रॉन्स, यहाँ पे समुद्र होने की वजह से सारी चीजें फ्रेश मिलती है। यहाँ पे क्या है ना, जो डिशेस यहाँ पे अच्छी मिलती है जैसे कि सी फूड बहुत अच्छा मिलता है, तो प्रेफर वही करना चाहिए कि वही यहाँ पे जो लोकल चीजें अच्छी मिलती है वही आप कोशिश कीजिए वही खाएं, क्योंकि वो चीजें अच्छी मिलती है यहाँ पे और फ्रेश मिलती है। अगर आप आपके रीजन की डिशेस यहाँ पे ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी टेस्ट थोड़ा सा सूट नहीं होगा। तो जहाँ पे भी आप घूमने जाएं वहीं के लोकल डिशेस ट्राई करें तो वही बेटर होता है। तो यहाँ पे सी फूड बहुत अच्छा मिलता है, पॉम्फ्रेट भी बहुत अच्छी है।